हेलो दोस्तों, वेलकम टू पायोज एकेडमी। बहुत सारे बच्चे पीएसवी साइजिंग की वीडियो के लिए कमेंट कर रहे थे, इसीलिए आज के इस वीडियो में हम पीएसवी साइजिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। पीएसवी साइजिंग में हम अलग अलग पार्ट्स बनाएंगे, जिसमें पीएसवी साइजिंग एकदम डिटेल में हम समझने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम बेसिक्स ऑफ पीएसवी डिस्कस करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि हम इस वीडियो में क्या क्या पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले हम हमारे घर में जो भी प्रेशर कुकर है उसका एग्जाम्पल लेंगे और पीएसवी और रप्चर डिस्क के कंसेप्ट को एकदम डिटेल में समझेंगे। उसके बाद रिलीफ डिवाइसेस के अलग अलग टाइप्स क्या है, मतलब पीएसवी क्या होता है और पीआरवी क्या होता है, उनमें क्या डिफरेंस होता है, वो हम इस स्लाइड में डिस्कस करेंगे। उसके बाद पीएसवी हमें कहाँ पे देना है, उसके अलग अलग सिनेरियोस क्या है और वो हमें कैसे कंसिडर करने हैं, उसके बारे में हम इस स्लाइड में डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखो, पीएसवी हमें क्यों देना है और लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन क्या है, उसके बारे में हम इस स्लाइड में डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखो, पीएसवी के अलग अलग कोर्स और स्टैंडर्ड्स क्या है और उसका सिग्निफिकेंस क्या है, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद पीएसवी के इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो कि आपको पीएसवी साइजिंग में बहुत हेल्प करेंगे, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी हम ये चार्ट यूज करके समझेंगे और उसके साथ साथ बैक प्रेशर क्या होता है, उसके दो टाइप्स सुपर इम्पोज बैक प्रेशर और बिल्टअप बैक प्रेशर, ये क्या होता है वो हम इस स्लाइड में डिस्कस करेंगे। देखो, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले, इसीलिए आप इस वीडियो में आखिर तक बने रहो। तो चलो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पायोस, लर्न द स्मार्टर वे। तो चलो हम हमारे घर में जो भी प्रेशर कुकर होता है उससे स्टार्ट करते हैं। अब अगर आपने प्रेशर कुकर को देखा होगा तो उसमें क्या रहता है, एक व्हिसल रहता है, उसके बाद एक सर्कुलर पार्ट रहता है जो क्या है वो बहुत लोगों को पता ही नहीं होता। उसके साथ साथ ये रबर रिंग होता है और ये व्हिसल है, इसमें हम वाटर ऐड करते हैं, उसके साथ साथ जो भी हमारा चावल वगैरह है वो यहाँ से ऐड कर लेते हैं और इसको नीचे से हम आग लगाते हैं और ये इसके अंदर जो भी हमने खाना डाल दिया है वो पक जाता है। अब देखो, इसमें एक एक पार्ट को क्यों दिया है वो पहले हम समझते हैं। इसको समझने के लिए आपके कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग में पहले दूर करना चाहता हूँ। हम क्या समझते हैं, जो भी इसका वर्किंग है वो कैसे है कि जब आपका प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने से कंटिन्यूसली जब अगर उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो उसमें जो भी चावल है वो जल्दी पक जाएंगे, लेकिन उसका बेसिक कंसेप्ट है वेस्ट हीट रिकवरी। ओके, अब ये कैसे है ये मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। इसका पर्पस देखो क्या है, जब हम ढक्कन लगाते हैं तब क्या होता है, जो भी वेपर जनरेट हो रहे हैं वो फिर से अंदर कुकर में जाते हैं, तो क्या होगा, जो भी वेपर्स में हीट है वो अगेन उस फूड को मिलेगी और वो फूड हमारा जल्दी पक जाएगा। अब आपको ये बात तो पता ही होगा कि पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा उसके साथ साथ टेम्परेचर बढ़ता है। अब मान लो आपने यहाँ पे वाटर ऐड किया, उसके साथ साथ चावल भी ऐड किया है। अब ये वाटर तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे बॉयल करेगा, लेकिन ये जो भी चावल है वो बॉयल करेगा क्या, नहीं करेगा, वो टेम्परेचर बढ़ने से जल सकता है, इसीलिए हमने यहाँ पे ये सेफ्टी वॉल दिया है। ये क्या करता है, मान लो आपका चावल 110 डिग्री सेल्सियस पे जलना स्टार्ट होता है, तब ये प्रेशर वेसल पे जो भी हमारा सेफ्टी वॉल है वो क्या करेगा, 110 डिग्री सेल्सियस पे जो भी प्रेशर आएगा उस प्रेशर पे ये उठ जाएगा, तो इस चावल को बर्न करने से वो प्रिवेंट करता है। समझ रहे हो इसका मेन पर्पस क्या है। ओके, उसके साथ साथ यहाँ पे एक रप्चर डिस्क दिया है, वो क्यों दिया है, ये हमारे प्रेशर कुकर के सेफ्टी के लिए दिया है। अब देखो ये सेफ्टी कैसे प्रोवाइड करता है, मान लो इसमें अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, मतलब हमारा एक्सपेक्टेशन क्या है, जो भी वेपर्स है वो वेपर्स ऊपर आएंगे उसमें कुछ भी पार्टिकल्स नहीं रहेंगे, सॉलिड पार्टिकल्स नहीं रहेंगे या फिर लिक्विड ड्रॉपलेट्स भी नहीं रहेंगे, तो वो जब ये सेफ्टी वॉल ओपन हो जाएगा तब एक्सेस प्रेशर रिलीज करते समय सिर्फ वेपर्स ही अंदर जाएंगे, लेकिन मान लो कुछ एबनॉर्मलिटी आ जाती है और क्या होता है, कुछ चावल के पार्टिकल्स या फिर लिक्विड आकर ये जो भी इसके ऊपर स्मॉल होल्स है वो आकर उस होल्स को चोक कर देता है, तब क्या होगा, हमारा जो भी कुकर है उसका प्रेशर कंटिन्यूअसली बढ़ेगा
और एक प्रेशर आने के बाद हमारा कुकर फूट सकता है। उसको अवॉइड करने के लिए हमने यहाँ पे ये रप्चर डिस्क दिया है। इसीलिए अगर आपने कभी माँ को कुकर पे ढक्कन लगाते हुए देखा होगा तो वो क्या करती है, पहले इस कुकर के विसल में एक फूंक मार देती है ताकि अगर इसमें कुछ भी पार्टिकल रहेगा तो वो पहले बाहर आ जाएगा। समझो कितने बेसिक कॉन्सेप्ट्स है और ये हम घर से ही सीखना स्टार्ट करते हैं। ओके, अब हम एक बेसिक रीजन और भी समझ लेते हैं। यहाँ पे ये दोनों देने का रीजन क्या है कि इसमें सॉलिड पार्टिकल्स का आना है, तो सॉलिड पार्टिकल्स की वजह से यहाँ पे चोकिंग होने की पॉसिबिलिटी है। अगर यहाँ पे सिर्फ लिक्विड रहता उसमें से जो भी सेफ्टी वॉल के लिए ओपनिंग दिया है वो चोक होने के चांसेस नहीं होते, तो फिर यहाँ पे हमें रप्चर डिस्क देने की जरूरत नहीं थी। समझ रहे हो, ये एक सिनेरियो है और यही हमें इंडस्ट्री में भी यूज करना है। जिस भी किसी केस में आपका सॉलिड पार्टिकल्स रहेगा उस केस में इधर आपको रप्चर डिस्क देना है या फिर पीएसवी और रप्चर डिस्क का कॉम्बिनेशन देना है। अब देखो रप्चर डिस्क, यहाँ पे सिर्फ रप्चर डिस्क दे देते तो इसका एक लॉस क्या हो सकता था, मान लो ये इक्विपमेंट जो भी है वो उसके मैक्सिमम अलाउबल वर्किंग प्रेशर के ऊपर जाता है और रप्चर डिस्क हमारा ब्रेक हो जाता है। मान लो उसमें से लिक्विड कुछ बाहर आ सकता है तो क्या होगा, कंटिन्यूसली उसमें से लिक्विड बाहर आ जाएगा और आप जो भी लिक्विड आपका वेस्ट जा रहा है उसको कंट्रोल नहीं कर सकते थे। इसीलिए हम पीएसवी और रप्चर डिस्क का कॉम्बिनेशन देते हैं। और ये कॉम्बिनेशन कैसे रहता है, यहाँ पे देखो इन दोनों का पर्पज अलग अलग है इसीलिए ये दोनों अलग अलग दिया है। लेकिन इंडस्ट्री में क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे नीचे एक रप्चर डिस्क देते हैं और इसके ऊपर एक पीएसवी दे देते हैं ताकि ये जो भी हमारा रप्चर डिस्क है उसमें स्मॉल होल्स नहीं होते, इसमें एक डायरेक्टली डिस्क रहती है और जो कि डिफरेंशियल प्रेशर पे काम करती है। अगर नीचे के इक्विपमेंट में अगर प्रेशर बढ़ता है तो ये डायरेक्टली रप्चर डिस्क फूट जाएगी और कंटिन्यूसली इसमें से प्रेशर रिलीज होता रहेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, हमारा पीएसवी है जिसको हमने एक स्प्रिंग को एक सेट प्रेशर देके वहां पे सेट किया होता है, वो क्या करता है जब उसका पर्टिकुलर प्रेशर अचीव होता है तभी उसका वो ओपन हो जाता है और उसमें से लिक्विड बाहर जाने लगता है। और जब उसका प्रेशर मैक्सिमम अलाउबल प्रेशर या फिर वर्किंग जो भी हमारा सेट प्रेशर है उसके नीचे आ जाता है तब वो फिर से क्लोज हो जाता है। इससे आपको बेनिफिट क्या होता है, आपका जो भी वेस्टेज हो रहा है लिक्विड का या फिर गैसेस का वेपर्स का वो बच सकता है। समझ रहे हो, मतलब अगर रप्चर डिस्क फूट जाता है तो कंटिन्यूसली रिलीज होता रहेगा, लेकिन पीएसवी ओपन होने के बाद पीएसवी क्या करता है, ओनली एक्सेस अमाउंट ऑफ प्रेशर जो है वो रिलीज करने के लिए जितना फ्लूइड उसको बाहर भेजना है उतना ही बाहर भेजता है। समझ रहे हो, ये पर्पस है पीएसवी का और रप्चर डिस्क का। और कभी कभी हम ये दोनों देते हैं उसका पर्पस भी ऐसे ही, जिस केस में पीएसवी के लिए जो भी हम ओपनिंग्स दे रहे हैं उसमें चोकिंग होने की पॉसिबिलिटी है उस केस में हम पीएसवी और रप्चर डिस्क का कॉम्बिनेशन देते हैं। समझ रहे हो, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब हम पीएसवी को एकदम डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चलो अब हम रिलीफ डिवाइसेस डिस्कस करते हैं। रिलीफ डिवाइसेस क्या है, रिलीफ डिवाइसेस आर द डिवाइसेस विच आर प्रोवाइडेड टू प्रिवेंट ओवर प्रेशर एंड इंश्योर स्मूथ ऑपरेशन ऑफ द इक्विपमेंट। मतलब देखो अगर आपका कोई भी इक्विपमेंट है जिसमें ओवर प्रेशर होने के चांसेस है तो उसके ऊपर आपको रिलीफ डिवाइसेस देना इंपॉर्टेंट है। अब रिलीफ डिवाइसेस अगर आप देखोगे तो वो दो टाइप के हैं, एक तो है प्रेशर सेफ्टी वॉल और दूसरा है प्रेशर रिलीफ वॉल। ये जो भी प्रेशर सेफ्टी वॉल है उसको हम पीएसवी बोलते हैं और जो भी हमारा प्रेशर रिलीफ वॉल है उसको हम पीआरवी बोलते हैं। इसमें भी बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि पीएसवी और पीआरवी में डिफरेंस क्या होता है, उसे हम यहाँ पे एकदम डिटेल में समझने वाले हैं। अब देखो पीएसवी क्या रहता है, पीएसवी का मेन पर्पस क्या रहता है कि आपके इक्विपमेंट में जो भी एक्सेस प्रेशर है उसको वो रिलीज कर देता है। और इसमें इसका जो भी हमारा पीआरवी है उसका मेन पर्पस क्या है कि आपके इक्विपमेंट का जो भी प्रेशर है उसको मेंटेन करना। और भी कंफ्यूजन हो रहा है आपको, ओके हम आगे समझते हैं ताकि आपको वो क्लियर हो जाए। देखो पीएसवी क्या होता है ना, जो भी आपका एक सेट प्रेशर होता है, मान लो आपका इक्विपमेंट है इसके ऊपर आपने यहाँ पे एक पीएसवी लगाया है तो ये क्या करता है, मान लो आपने यहाँ पे उसको 5 बार का सेट प्रेशर दिया तो वो क्या करेगा, 5 बार आने के बाद एकदम फटक से खुल जाएगा। लेकिन प्रेशर रिलीफ वॉल क्या करेगा, मान लो आपको उस इक्विपमेंट में 5 बार का प्रेशर मेंटेन करना है
तो वो क्या करेगा, अगर उसका प्रेशर 5.1 हो जाता है तो वो थोड़ा सा ओपन होगा और 5 पे उसको मेंटेन करेगा। मान लो अचानक से 6 बार पे जाता है तो उसका ओपनिंग और बढ़ेगा और उसको 5 बार पे मेंटेन करने की कोशिश करेगा। समझ रहे हो इसका मेन पर्पस क्या है, कि वो क्या कर रहा है, जो भी आपका इक्विपमेंट है उसको 5 बार पे मेंटेन कर रहा है। लेकिन प्रेशर सेफ्टी वॉल क्या कर रहा है, आपके इक्विपमेंट का प्रेशर जैसे ही 5 बार के ऊपर जाने की कोशिश करेगा तभी एकदम से ओपन हो जाएगा। इसके वजह से क्या हो सकता है, ये हमने यहाँ पे 5 बार का सेट प्रेशर दिया है तो अब ये डायरेक्टली 5 बार पे एकदम फट से ओपन तो नहीं होगा, वो कुछ टाइम पहले से ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा और 5 बार पे पूरा का पूरा ओपन हो जाएगा। मतलब मान लो ये 4.8 बार प्रेशर से ओपन होना स्टार्ट होगा और 5 बार पे कंप्लीटली ओपन हो जाता है, पूरा जो भी ओवर प्रेशर है वो रिलीज कर देता है। तो ये क्लोज होते होते इक्विपमेंट का प्रेशर चला जाता है 4.5। मतलब देख रहे हो ये कितना वेरिएशन इसमें हो रहा है। उसके वजह जो भी हमारा पीआरवी है उसका क्या रहता है, जो भी ओपनिंग होता है वो हमारा जो भी इक्विपमेंट है उसके प्रेशर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। मतलब जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे उसका ओपनिंग इंक्रीज होते जाता है। इसीलिए हम पीआरवी यूज करके उस इक्विपमेंट का प्रेशर मेंटेन कर सकते हैं। समझ रहे हो इसमें क्या डिफरेंस है, वही मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। पीएसवी ओपन्स ऑलमोस्ट इमीडिएटली एंड फुल्ली इन ऑर्डर टू प्रिवेंट ओवर प्रेशर, और पीआरवी क्या करता है, द ओपनिंग ऑफ पीआरवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेसल प्रेशर। समझ रहे। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या मेंशन किया है, पीएसवी स्टार्ट्स ओपनिंग बिफोर सेट प्रेशर लिमिट। मतलब कुछ टाइम पहले ही वो धीरे 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 ओपन करना स्टार्ट करते हैं और उसमें एक चैटरिंग का भी इशू आ सकता है पीएसवी के केस में। समझ रहे ये चैटरिंग क्या होता है और उसमें अलग अलग टाइप्स क्या होते हैं पीएसवी के, वो हमारे आगे आने वाले वीडियोज में हम एकदम डिटेल में समझने वाले हैं। ओके, अगर आप पीआरवी के केस में अगर आप देखते हो तो वो क्या करता है, जब आपका सेट प्रेशर अचीव होता है, मान लो आपको 5 बार पे मेंटेन करना है, तो वो 5 बार के ऊपर जैसे जैसे प्रेशर जाएगा वैसे वैसे धीरे 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 ओपन होते 5 बार पे उस इक्विपमेंट का प्रेशर मेंटेन करेगा। समझ रहे। उसी प्रकार आगे हमने क्या लिखा है यहाँ पे, जो भी पीएसवी है वो हमारा जो भी एक्सेस प्रेशर है उसको आउट ऑफ द सिस्टम रिलीज करता है। मतलब इसका जो भी हमारा डिस्चार्ज रहता है, एक तो हम फ्लेयर को देते हैं या फिर जो भी हमारे स्क्रबर्स होते हैं उसको देते हैं, उसको कहाँ पे देना है वो उस जो भी फ्लूइड है उस पे डिपेंड रहता है। उसके बाद देखो जो भी हमारे रिलीफ वॉल है उसमें मोस्टली हम लिक्विड्स हैंडल करते हैं, और लिक्विड्स होने की वजह से हम उसको क्या करते हैं, बैक टू सिस्टम और कंटेनर उसको ले लेते हैं। मतलब अगर पीआरवी ओपन भी हो जाता है तो उसमें जो भी कंपोनेंट है वो फिर से सिस्टम में ही आ जाएगा। समझ रहे। ओके, जो भी पीएसवी है वो नॉर्मली कॉम्प्रेसिबल फ्लूइड्स को दिए जाते हैं। मतलब कॉम्प्रेसिबल फ्लूइड्स मतलब क्या है, गैसेस और वेपर्स। अगर गैसेस और वेपर से आप डील कर रहे हो तो आपको उस केस में पीएसवी देना है, और आप अगर लिक्विड्स को हैंडल कर रहे हो तो उस केस में आपको पीआरवी देना है। समझ रहे हो, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है पीएसवी और पीआरवी का डिफरेंस समझने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ इस डिफरेंस में आपको अभी कोई भी डाउट नहीं है। अगर कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिए, मैं आपका उसका जवाब दे दूंगा। ओके, चलो अब हम हमारा अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं, हमें पीएसवी देना है या नहीं वो हम कैसे डिफाइन करेंगे। अब देखो वो डिफाइन करने के लिए आपको ये क्राइटेरिया फॉलो करना है, आपको हर उस जगह पे पीएसवी देना है जहां पे ओवर प्रेशर का सिनेरियो है। मतलब अगर आपका ऑपरेटिंग प्रेशर जो भी है वो उसके मैक्सिमम अलाउएबल वर्किंग प्रेशर के ऊपर जा रहा है तो उस केस में आपको पीएसवी देना ही देना है। अब ये मैक्सिमम अलाउएबल वर्किंग प्रेशर क्या होता है, देखो आपके पास एक होता है ऑपरेटिंग प्रेशर जिसके ऊपर मार्जिन लेके आप डिजाइन प्रेशर कंसिडर करते हो। अब इस डिजाइन प्रेशर के लिए आप एक थिकनेस कैलकुलेट करते हो। अब ये जो भी थिकनेस आप कैलकुलेट करोगे वो पॉइंट्स में आएगी, और जो भी आपका थिकनेस रिक्वायर्ड आता है उस थिकनेस की डायरेक्टली शीट आपको मार्केट में अवेलेबल नहीं होती वो इक्विपमेंट रेडी करने के लिए, तब आप क्या करते हो उससे एक साइज हायर शीट कंसिडर करते हो। मतलब अगर आपको 5.1 आता है तो आप 5 mm की कंसिडर नहीं करते, आप 6 mm की कंसिडर करते हो, क्योंकि अगर आप 5 mm की कंसिडर करोगे तो क्या होगा, आपका जो भी इक्विपमेंट है वो उसके डिजाइन प्रेशर पे विस्टैंड नहीं करेगा, इसीलिए आप क्या करते हो 6 mm की कंसिडर करते हो। अब अगर आप थिकनेस बढ़ा रहे हो तो
तो उसमें जो भी प्रेशर विथस्टैंड होगा वो भी बढ़ेगा। तो वो जब आप उस थिकनेस पे जो भी विथस्टैंडेबल प्रेशर है वो कैलकुलेट करते हो, तब आपको जो भी वैल्यू मिलती है वो होता है मैक्सिमम अलाउएबल वर्किंग प्रेशर। अब ये मैक्सिमम अलाउएबल वर्किंग प्रेशर जो भी आपका ऑपरेटिंग प्रेशर होता है और डिजाइन प्रेशर होता है उससे ज्यादा होता है। मतलब जो भी आपका ऑपरेटिंग प्रेशर होता है वो डिजाइन प्रेशर से छोटा होता है, और डिजाइन प्रेशर जो होता है वो MAWP से छोटा होता है। समझ रहे हो? ये रिलेशन आप याद रखो। अब देखो, आप PSP कहाँ लगाना है ये आप कैसे डिफाइन करोगे? उसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक्सेल शीट में एक चार्ट बना सकते हो जिसमें हॉरिजेंटली आप जो भी इक्विपमेंट्स है उनको लिस्ट डाउन कर सकते हैं और वर्टिकली जो भी सिनारियोज है उसको आप यहाँ पे लिख सकते हो। मतलब देखो, आप सबसे पहले यहाँ पे एक्सटर्नल फायर कंसिडर करते हो, उसके बाद ब्लॉक्ड आउटलेट कंसिडर करते हो, एबनॉर्मल हीटिंग कंसिडर करते हो, उसके बाद कंट्रोल वाल फेल्यूर कंसिडर करते हो, और यहाँ पे आपका जो भी इक्विपमेंट है, मतलब मान लो वेसल 101 है, तो वो वेसल आपने यहाँ पे कंसिडर कर लिया। अब आप चेक करोगे कि क्या उसमें जो भी हमारा एक्सटर्नल फायर का केस है वो एप्लीकेबल है, तो आप यहाँ पे ओके करोगे। ब्लॉक आउटलेट एप्लीकेबल है क्या? नहीं, क्योंकि हमने उस वेसल को जो भी हमारा पंप है उसके शट ऑफ प्रेशर पे डिजाइन किया है, उस वजह से उस केस में ब्लॉक आउटलेट एप्लीकेबल नहीं हो गया। उसके बाद एबनॉर्मल हीटिंग एप्लीकेबल है क्या? यह है। उसके बाद कंट्रोल वाल फेल्यूर एप्लीकेबल है क्या? नहीं, क्योंकि उस लाइन में कंट्रोल वाल नहीं है। ऐसे आप एनालाइज करोगे और जो भी सिनेरियोज एप्लीकेबल है उनको राइट मार्क करोगे, और उस सिनेरियोज के लिए आप रिलीविंग रेट कैलकुलेट करोगे। ओके, और उस रिलीविंग रेट के हिसाब से आप PSP का साइज डिफाइन करोगे, और उस साइज के PSP के लिए आप डेटा शीट बनाओगे और वेंडर को देंगे। इस प्रकार के उसकी फिलोसॉफी रहती है। अब देखो, हम यहाँ पे हर एक सिनेरियो एकदम डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले है एक्सटर्नल फायर। एक्सटर्नल फायर के केस में आप क्या कंसीडर कर सकते हो? मान लो आपका ये वेसल है और ये वेसल फायर जोन में आता है, और इसमें क्या हो रहा है, मान लो कहीं से तो एक लिक्विड लीक हो गया और इसके नीचे उस लिक्विड का पूल बन गया, और क्या होता है, ये लिक्विड जो भी है वो फायर कैच कर लेता है और इसमें आग लग जाती है। अब क्या होता है, इसमें जो भी लिक्विड है वो वेपोराइज होना स्टार्ट होता है। अब ये वेपोराइज होगा तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। वो कैसे बढ़ेगा? मान लो आपके पास लिक्विड है तो उसका मास सेम रहेगा, अगर वो वेपर में कन्वर्ट होगा तो भी उसका मास सेम रहेगा, लेकिन जो भी लिक्विड है उसकी डेंसिटी ज्यादा रहती है और वेपर्स की डेंसिटी कम रहती है। इसकी वजह से जो भी वॉल्यूम आपके लिक्विड के केस में होता है वो कम होता है, और वेपर्स के केस में वॉल्यूम अचानक से बढ़ जाता है। अगर आपका लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको स्टोर करने के लिए आपको ज्यादा वॉल्यूम लगेगा, और अगर आपके पास वो वॉल्यूम नहीं है तो क्या करेगा, इसमें प्रेशर क्रिएट करना स्टार्ट होगा और ये प्रेशर वेसल फूट सकता है, और वो अवॉइड करने के लिए हमें यहाँ पे PSV देना है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं ब्लॉक्ड आउटलेट का केस क्या होता है। ब्लॉक्ड आउटलेट के केस में आपको दो इक्विपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो पंप और कंप्रेसर। आप देखो, पंप के केस में क्या होता है, ये जो भी पंप है वो मान लो हमारे एक इक्विपमेंट में जा रहा है। अब क्या हो रहा है, मान लो इसमें जो भी हमारा आउटलेट है उसमें एक वॉल है, यहाँ पे डिस्चार्ज पे भी एक वॉल रहता है। अब ये डिस्चार्ज पे, इस इक्विपमेंट के डिस्चार्ज में जो भी वॉल है मान लो वो किसी ने क्लोज ही कर दिया और आपका यहाँ पे पंप चालू ही है, तो क्या होगा, यहाँ पे कंटिन्यूसली प्रेशर बिल्डअप होता रहेगा। ये इस इक्विपमेंट में कंटिन्यूसली वो लिक्विड आता रहेगा और इस इक्विपमेंट का प्रेशर बढ़ेगा। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारा जो भी ये आउटलेट है वो ब्लॉक है, और वो अवॉइड करने के लिए हमें यहाँ पे एक PSV देना पड़ेगा। समझ रहे हो? अब आपको ये सवाल आ सकता है कि अगर मान लो ये आपका वॉल बंद है तो भी आपको इस लाइन के लिए एक PSV देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे भी ब्लॉक आउटलेट का सिनेरियो एप्लीकेबल है। समझ रहे हो ना? क्योंकि अगर आपका यही वॉल क्लोज है तो कंटिन्यूसली यहाँ पे प्रेशर बिल्डअप होता रहेगा। समझ रहे हो? तो यहाँ पे कैसे रहता है, ब्लॉक आउटलेट के केस में आपको यही पहले चेक करना रहता है कि आपकी ये जो भी लाइन है वो पंप के शट ऑफ हेड पे डिजाइन है या नहीं। अगर शट ऑफ हेड पे डिजाइन है तो आपको इस लाइन पे PSV देने की कोई जरूरत नहीं, और आपको इस इक्विपमेंट का डिजाइन प्रेशर भी चेक करना है। मान लो ये इक्विपमेंट पंप के शट ऑफ हेड पे डिजाइन है
तो भी आपको पीएसवी देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि क्या होता है, जब उस जो भी आपका पंप है वो मैक्सिमम कितना हेड डिलीवर कर सकता है, जो भी उसका शट ऑफ हेड है उस तक, उसके बाद आगे वो प्रेशर इंक्रीज नहीं कर सकता। उसके वजह से जब आपका ये इक्विपमेंट या फिर लाइंस उसके शट ऑफ हेड पे डिजाइन रहेगी, तब आपको उसको पीएसवी नहीं देना है, और अगर नहीं है तो आपको पीएसवी देना है। इसीलिए अगर आपने रेसिप्रोकेटिंग पंप अगर देखा होगा, तो रेसिप्रोकेटिंग पंप के बॉडी पे भी एक पीएसवी लगा हुआ होता है, और डिस्चार्ज का जो भी लाइन होता है उस पे भी एक पीएसवी लगाया होता है। मतलब मान लो यहाँ पे एक वॉल दिया है, तो वॉल के पहले यहाँ पे बॉडी पे दिया है। मतलब अगर मान लो किसी ने ये वॉल क्लोज किया, तो क्या है, यहाँ पे हम शट ऑफ हेड पे तो डिजाइन नहीं कर सकते, क्योंकि रेसिप्रोकेटिंग पंप कंटिन्यूअसली प्रेशर इंक्रीज करते रहते हैं। तो अगर यहाँ का वॉल क्लोज है, तो आगे वाली सिस्टम इंश्योर करने के लिए हम पंप के केसिन के ऊपर एक पीएसवी लगा देते हैं, और अगर इक्विपमेंट के पहले या फिर इक्विपमेंट का बाद के जो भी वॉल है वो अगर क्लोज होता है, तो इस केस में जो भी एंटायर सिस्टम है उसको प्रिवेंट करने के लिए इस वॉल के बाद भी हम पीएसवी देते हैं। हम इस केस में हम ऐसे नहीं बोल सकते, हमने यहाँ पे केसिंग पे पीएसवी दिया है तो हमें यहाँ पे आगे और एक पीएसवी देने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये पीएसवी आपका सिर्फ इसके लिए काम करेगा, समझ रहे हो। इसलिए आपको ऐसे कंसिडर करना है कि ब्लॉक आउटलेट केस में पीएसवी किस प्रकार से देना है, ये आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, ओके। उसके बाद देखो एबनॉर्मल हीटिंग क्या है। एबनॉर्मल हीटिंग के केस में आपको एक हीट एक्सचेंजर कंसिडर करना पड़ेगा। मान लो ये आपने एक शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर कंसिडर कर लिया। अब क्या हो रहा है, शेल एंड ट्यूब में ये जो भी आपके ट्यूब्स है, इसमें ये जो भी आपके आपके ट्यूब्स है, इसमें आप हॉट वाटर ट्रांसफर कर रहे हैं, और शेल साइड में एक कोल्ड फ्लूइड है। तो क्या होगा, मान लो इसमें अचानक से फ्लो बढ़ गया, तो क्या होगा, जो भी आपका कूलिंग वाटर है या फिर कूलिंग फ्लूइड है उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, और डेंसिटी कम होने की वजह से उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, और ओवर प्रेशर के चांसेस है। इसीलिए आपको जो भी कूलिंग की लाइन है उसके ऊपर आपको एक पीएसवी देना पड़ेगा, जो कि हमने हमारे हीट एक्सचेंजर के वीडियो में भी डिस्कस किया, आप वहां पे भी जाके चेक कर सकते हो, ओके। उसके बाद देखो थर्मल एक्सपांशन का केस आपका कहाँ पे एप्लीकेबल होगा। मान लो कूलिंग वाटर की लाइन है जो एटमोस्फेयर से जा रही है, लेकिन यहाँ पे एक वॉल है और यहाँ पे भी एक वॉल लगाया हुआ है, और इसमें लिक्विड हमेशा एंट्रैप्ड रहने के चांसेस है, और ये सनलाइट को भी एक्सपोज है, या फिर इसके बाजू में कोई हॉट फ्लूइड की लाइन है, तो क्या हो सकता है, जो भी आपका ये स्मॉल पोर्शन है उसमें जो भी लिक्विड है उसका थर्मल एक्सपांशन होने के चांसेस है। उसका टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, इसी को हम थर्मल एक्सपांशन बोलते हैं। तो इस केस में क्या हो सकता है, इस पर्टिकुलर सेगमेंट में जो भी लिक्विड है उसका प्रेशर बढ़ेगा, और ये पाइप यहाँ से फूट सकती है, और ये अवॉइड करने के लिए हमें यहाँ पे पीएसवी देना पड़ेगा, समझ रहे हो। ये सिनारियो है थर्मल एक्सपांशन का। उसके बाद देखो कंट्रोल वाल फेल्योर का क्या सिनारियो है। कंट्रोल वाल फेल्योर में आप कैसे कंसीडर करते हो, अगर ये आपकी लाइन है इसके ऊपर आपने यहाँ पे एक कंट्रोल वाल लगाया है, मान लो ये कंट्रोल वाल आपका फेल टू क्लोज है, ओके, एफसी यहाँ पे लिखा है, मतलब फेल टू क्लोज है। इसमें क्या हो रहा है कि अगर आपका जो भी इंस्ट्रूमेंट एयर आपने यहाँ पे दिया है वो अगर बंद हो जाता है, तो क्या होगा, ये जो भी आपका वॉल है वो क्लोज कंडीशन में बंद रहेगा। ये आपका एक फर्स्ट पॉइंट हो गया कि अगर आपका इंस्ट्रूमेंट एयर फेल हो गया तो आपकी सिस्टम आगे ओवर प्रेशर नहीं होने वाली, क्योंकि अगर आपका इंस्ट्रूमेंट एयर फेल हो रहा है तो आपका वॉल ऑटोमेटिकली बंद हो रहा है, तो आगे ओवर प्रेशर होने के चांसेस नहीं। लेकिन मान लो क्या होता है कि ये जो भी आपका कंट्रोल वॉल है उसका मेन पर्पज क्या होता है, प्रेशर किल करना। मतलब यहाँ पे मान लो आपका 10 बार आ रहा है तो आप आगे यहाँ पे 5 बार पे प्रोवाइड कर रहे हो, इतना प्रेशर ये कंट्रोल वॉल किल कर रहे हैं। अब देखो ये क्या हो गया, कोई सिनेरियो ऐसे क्रिएट हो जाता है कि ये आपका फेल टू क्लोज कंट्रोल होते समय भी ये उसके फुल ओपन कंडीशन में फेल हो गया। मतलब ऐसे ओपन था और उसकी स्प्रिंग या फिर कुछ कनेक्शन जो थे वो टूट गए और वो ओपन का ओपन ही रह गया, तो क्या होगा, जो भी आपका इनलेट का 10 बार का प्रेशर है वो जैसे के वैसे आगे ट्रांसफर होगा, और आगे आपके जो भी सिस्टम है वो 5 बार के लिए डिजाइन है, तो क्या हो सकता है, वो आगे की जो भी सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो सकती है, और उसको अवॉइड करने के लिए आप यहाँ पे एक पीएसवी दे सकते हो,
और अगर आपको वो पीएसवी नहीं देना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपकी आगे की सिस्टम है उसको भी आपको इनलेट प्रेशर पे डिजाइन करना पड़ेगा। और अगर आप आगे की पूरी सिस्टम इनलेट प्रेशर पे डिजाइन करोगे तो आपका कॉस्ट बहुत बढ़ेगा, और वो अवॉइड करने के लिए आपको यहाँ पे एक पीएसवी देना है जो कि आपका डिस्चार्ज का सिस्टम है उसके डिजाइन कंडीशन पे डिपेंड रहेगा। समझ रहे हो, ये हमारा हो गया कंट्रोल वॉल फेल्योर का सिनेरियो। उसके बाद देखो यूटिलिटी फेल्योर। यूटिलिटी फेल्योर का मतलब क्या है, मान लो आपका हीट एक्सचेंजर है, हीट एक्सचेंजर में आप जो भी यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहे थे वो अचानक से फेल हो जाती है, तो क्या होगा, कंटिन्यूसली जो भी हॉट फ्लूइड है वो अंदर आता रहेगा, और हॉट फ्लूइड आने की वजह से जो भी आपका सिस्टम है उसमें प्रेशर क्रिएट होगा, और वो प्रेशर रिलीज करने के लिए आपको वहां पे पीएसवी देना पड़ेगा। उसके बाद देखो ये क्या है, हाई पंपिंग और कंप्रेशन हेड। मतलब हाई पंपिंग और कंप्रेशन हेड, ये जो भी सिनेरियो है वो हमारा ब्लॉक आउटलेट का सेम सिनेरियो है। मतलब जो भी आपका पंप है उसके शट ऑफ हेड पे अगर सिस्टम डिजाइन है तो हमें पीएसवी देने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद ओवरफिलिंग। ओवरफिलिंग मतलब क्या है, जो भी आपका लिक्विड है वो कंटिन्यूअसली उस इक्विपमेंट में आते रहता है, और लिक्विड अगर कंटिन्यूअसली पंप होता रहेगा तो क्या होगा, इसकी कैपेसिटी तो खत्म हो गई है, तो और लिक्विड आने के बाद इसमें प्रेशर क्रिएट होना स्टार्ट होगा, और वो प्रेशर रिलीज करने के लिए हमें यहाँ पे एक पीआरवी देना पड़ेगा। समझ रहे हो, ओके। उसके बाद क्या है, रनअवे रिएक्शन। रनअवे रिएक्शन हमें किसी को भी पता नहीं है क्या हो सकता है, वो सब अवॉइड करने के लिए हमें हर एक केस में रनअवे रिएक्शन का पीएसवी देने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी रिएक्शन हैजर्डस है और उसमें कुछ भी चांसेस है कि रनअवे रिएक्शन हो सकती है, रनअवे रिएक्शन के लिए पीएसवी आप फेसल पे नहीं कंसिडर करोगे, फिल्टर पे नहीं कंसिडर करोगे। मान लो आपका एक रिएक्टर है जिसपे आप कुछ तो रिएक्शन कर रहे हो, एजिटेटर है या फिर रिएक्टेंट्स ऐड कर रहे हो और उसमें रिएक्शन हो रही है, उस केस में आपको रनअवे रिएक्शन के लिए पीएसवी देना पड़ेगा। और इस हिसाब से आप ये एक्सेल चार्ट फिल करोगे, और एक्सेल चार्ट में जो भी सिनेरियोस एप्लीकेबल है उन सब सिनेरियोस के लिए आप उस इक्विपमेंट के लिए प्रेशर सेफ्टी वॉल का कैलकुलेशन करोगे, रिलीफ रेट कैलकुलेट करोगे, और उस रिलीफ रेट के लिए पीएसवी साइज करोगे। ओके, समझ में आ गया पीएसवी आपको कैसे साइज करना है या फिर कैसे डिफाइन करना है कि हमें पीएसवी देना है, अगर देना है तो किस सिनेरियो के लिए देना है। ओके, हमारा अगला पॉइंट है हमें पीएसवी कब और क्यों देना है। देखो एपीआई आरपी 14C अगर आप पढ़ते हो तो वो हमें क्या सजेस्ट करता है कि अगर आप हाइड्रोकार्बन का हैंडलिंग कर रहे हो तो जो भी आपका प्रेशर वेसल है या फिर इक्विपमेंट है उसमें मिनिमम 2 लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन होने चाहिए। मतलब एक आप हाई प्रेशर ट्रिप दे सकते हो जिसमें जो भी आपका प्लांट है वो इमीडिएटली शटडाउन में जाएगा, और उसके साथ साथ एक आप मैकेनिकल डिवाइस का प्रोटेक्शन दे सकते हो जिसमें आप पीएसवी या फिर रप्चर डिस्क कंसिडर कर सकते हो। अब देखो ये जो भी सिनेरियोस है वो कैसे डिफाइन होते हैं, आपके प्लांट के सेफ्टी को कंसिडर करके उन्होंने ये बताया है कि आपके जो भी इक्विपमेंट्स है या फिर जो के आपके जो भी इक्विपमेंट्स है या फिर वेसल्स है उनमें 2 लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन होने चाहिए। अब देखो ये लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन क्या होते हैं, अगर आपको लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन समझना है तो आप ये चार्ट देखो। ये इसमें मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि ये आपका नॉर्मल प्रोसेस है जो कि ऐसे ऐसे चल रहा है। अब देखो क्या होता है, किसी वजह से इसका प्रेशर अचानक से बढ़ जाता है तो आपका अलार्म रहेगा, मतलब हाई लेवल का जो भी अलार्म रहेगा वो आपको अलर्ट करेगा कि आपके सिस्टम की प्रेशर बढ़ गई है, तो ऑपरेटर जाएगा चेक करेगा कि क्यों प्रेशर बढ़ गई है, और अगर उसको कुछ कंट्रोलेबल पैरामीटर्स है तो वो कंट्रोल करेगा और उसको बैक टू नॉर्मल कंडीशन लेकर आएगा। अगर नहीं फिर भी उसका प्रेशर बढ़ते ही जाता है तो हमने यहाँ पे ट्रिप दिया है। वो ट्रिप कहाँ पे रहता है, हाई हाई प्रेशर पे एक ट्रिप देते हैं हम, जो कि हाई हाई प्रेशर अचीव होने के बाद डायरेक्टली ऑपरेटर के परमिशन के बिना जो भी आपका प्लांट है वो डायरेक्टली शट डाउन कर देता है और आपके सिस्टम को बैक टू उसके नॉर्मल पोजिशन लेकर आता है। फिर भी आपका क्या होता है कि आपके जो भी ट्रिप्स है वो आपके फेल हो जाते हैं और फिर आपका प्रेशर बढ़ने लगता है, तब उसके लिए आपको क्या आपने क्या किया है, जो भी आपके रप्चर डिस्क है या फिर सेफ्टी वॉल है आपने वहां पे प्रोवाइड किया है। ये हो गया आपका एक्टिव प्रोटेक्शन लेयर, जिसमें क्या होगा वो जो भी आपका सेफ्टी वॉल है या फिर रप्चर डिस्क है वो फूट जाएगा और आपके इक्विपमेंट को सेव करेगा, उसका प्रेशर नॉर्मल प्रेशर पे लेकर आएगा
और आपकी सिस्टम जो भी है वो नॉर्मल कंडीशन पे रन होती रहेगी। मान लो वो भी नहीं होता है और वो फूट जाता है, तो उसके ऊपर हम प्रिवेंशन नहीं लेते, उसके ऊपर हम मिटिगेशन लेते हैं। समझ रहे हो? हमने सिर्फ दो लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन ही दिए है। मतलब पहला हमने क्या प्रोटेक्शन दिया है कि हमने इमरजेंसी शटडाउन पे हमारा प्लांट चला जाएगा, उसके बाद एक मैकेनिकल सेफ्टी का एक पॉइंट हमने यहाँ पे कंसिडर किया। उसके बाद अगर मान लो रप्चर डिस्क भी फेल हो जाता है, पीएसवी भी काम नहीं कर सकता है, तो वो आपकी तकदीर है, और उसमें हम प्रिवेंशन नहीं लेते, उसमें हम मिटिगेशन करते। उसमें क्या करते हैं, मान लो यहाँ पे उसका आपका प्रेशर रीच हो जाता है, तब यहाँ पे आपका एक्सप्लोजन होना फिक्स है, आपका इक्विपमेंट फूट सकता है या फिर लिक्विड जो भी है वो ओवरफ्लो हो सकता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए आपने यहाँ पे डाइकोल दिया है। मतलब मान लो आपका यहाँ पे लिक्विड लीक भी हो जाता है, इक्विपमेंट फूट भी जाता है, तो उसमें जो भी लिक्विड आ रहा है वो डाइकोल से बाहर नहीं जाए। मतलब ये आपका वेसल है, तो उसके बाजू में हम एक यहाँ पे वॉल कंस्ट्रक्ट करके रखते हैं, ताकि इसमें जो भी वॉल्यूम है उस डाइकोल में जमा होके रहे, पूरे प्लांट में इधर उधर ना फैले। मान लो ये भी हमारा फेल हो जाता है, तब हमें डायरेक्टली इमरजेंसी लगानी पड़ती है, प्लांट के सभी ऑपरेशंस, पूरा प्लांट या फिर जो भी हमारा सेफ्टी डिपार्टमेंट वो पूरे प्लांट को अलर्ट कर देता है कि आप सेफ लोकेशन पे असेंबली पॉइंट पे जमा हो जाओ। समझ रहे हो? ये इस प्रकार के लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन है, ताकि उस हैजार्ड में ह्यूमन कैलेमिटी कुछ भी ना हो। समझ रहे हो? और हमने यहाँ पे दो लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन कौन कौन से कंसिडर किए हैं, एक हमारा ट्रिप का है और ये मैकेनिकल डिवाइसेस है जो कि है रिलीफ वॉल और रप्चर डिस्क। ये दोनों कंसीडर करके हमने हमारा जो भी इक्विपमेंट है उसको फूटने से बचा रहे। ओके? उसके बाद यहाँ पे हम एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करने वाले जो कि है एप्लीकेबल कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स फॉर पीएसपी साइजिंग। देखो, अगर आप इंटरव्यू में जाते हो और पीएसपी के बारे में बोलना स्टार्ट करते हो, तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन कौन से कोड्स पीएसवी साइजिंग में इंपॉर्टेंट है। तो देखो, सबसे पहले तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले कोड है एपीआई 520 पार्ट 1 और एपीआई 520 पार्ट 2। अब देखो, एपीआई 520 पार्ट 1 जो है उसमें आपको पीएसवी साइजिंग और सिलेक्शन के लिए जो भी गाइडलाइंस है वो आपको मिलेगी। मतलब पीएसवी साइजिंग में आपको कौन कौन से सिनेरियोस कंसीडर करने हैं, वो सिनेरियोस कैसे कंसीडर करोगे, उसके बाद जो सिनेरियो आप कंसीडर कर रहे हो उसके केस में आपको रिलीफ रेट कैसे कैलकुलेट करना है वो आपको एकदम डिटेल में एपीआई 520 पार्ट 1 में मिलेगा। उसके बाद अगर आप एपीआई 520 पार्ट 2 देखते हो, तो उसमें पीएसवी को इंस्टॉल करते समय आपको क्या क्या प्रिकॉशंस रखनी है और इंस्टॉलेशन के लिए जो भी इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है वो आपको एपीआई 520 पार्ट 2 में मिलेगी। उसके साथ साथ कुछ और भी इंपॉर्टेंट कोर्स और स्टैंडर्ड्स है जो है API 521, उसके बाद ISO 23251 2006, उसके बाद API 526, API 527, और अगर आप बॉयलर्स से डील करते हो तो उस केस में आपको ये कोड बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो कि है ASME बॉयलर एंड प्रेशर वेसल कोड सेक्शन 8। ये यूज करके आप पीएसवी साइजिंग कर सकते हो। ओके? अगर आपको ये कोड्स कहीं से मिल जाते हैं तो वो आप एकदम डिटेल में पढ़ो। आपको पीएसवी क्या है, उसका साइजिंग कैसे करना है, उसका सिलेक्शन कैसे करना है, ओरिफिस साइज कैसे सिलेक्ट करोगे, इंस्टॉलेशन करते समय आपको क्या क्या पॉइंट्स कंसीडर करने हैं, आपको पीएसवी कब देना है कब नहीं देना है, ये सारे पॉइंट्स अगर आप एक कोड्स और स्टैंडर्ड्स रीड करोगे तब आपको पता चलेंगे। ओके? अब पीएसवी साइजिंग में जो भी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके? सबसे पहले है ये ऑपरेटिंग प्रेशर। ऑपरेटिंग प्रेशर क्या है, जो भी आपका इक्विपमेंट है वो नॉर्मली किस प्रेशर पे काम कर रहा है उसे हम ऑपरेटिंग प्रेशर बोलते हैं। इसके जो भी डेफिनेशन है वो हम आगे देखेंगे, यहाँ पे बस आप इसका एक और भी जान लो। ओके? ये आपका ऑपरेटिंग प्रेशर हो गया। अब ये आपका मैक्सिमम अलाउबल वर्किंग प्रेशर है। ये क्या होता है वो मैंने हमारे पिछले स्लाइड में आपको समझा दिया। ओके? अब आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आपका ऑपरेटिंग प्रेशर है, उस हिसाब से आपने पीएसवी का सेट प्रेशर यहाँ पे डिफाइन किया। मतलब पीएसवी यहाँ से ओपन होना स्टार्ट करेगा। ओके? आपका एक्सपेक्टेशन क्या है कि पीएसवी जब फुल्ली ओपन होगा तब उसका प्रेशर उसके मैक्सिमम अलाउएबल वर्किंग प्रेशर तक ही बढ़े। मतलब ये आपका मैक्सिमम अलाउएबल वर्किंग प्रेशर है तो यहाँ तक उसका प्रेशर बढ़े। लेकिन क्या होता है, जब आपका पीएसवी ओपन होना स्टार्ट होता है, यहाँ पे वो फुल्ली ओपन होता है, लेकिन फुल्ली ओपन होने के बाद भी
जो भी आपका प्रेशर ओवर प्रेशर का सिनारियो है उसमें से ओवर प्रेशर बिल्डअप होने होता ही रहता है, तो उसका प्रेशर कुछ ऊपर तक बढ़ जाता है जो मैक्सिमम अलाउएबल एक्यूमुलेशन तक जाता है। ओके, तो उस प्रेशर तक, मतलब जो भी आपका सेट प्रेशर है और जो भी आपका मैक्सिमम अलाउएबल एक्यूमुलेशन है वहां तक जो भी प्रेशर बढ़ता है उसे हम ओवर प्रेशर बोलते हैं। ओके, उसके साथ साथ देखो, जब आपका पीएसवी बैठना स्टार्ट करता है, मतलब वो पूरा ओपन हो गया था, अब वो क्लोज होने का जब स्टार्ट करता है, तब हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उसके सेट प्रेशर पे, मतलब जब क्लोज होना स्टार्ट करेगा क्योंकि उसने प्रेशर तो पूरा रिलीज किया है, तब वो जो भी आपका सेट प्रेशर था उतने पे एक पूरा क्लोज होना चाहिए, लेकिन वैसे नहीं होता। क्या होता है, जैसे जैसे वो क्लोज होते आता है, यहाँ पे पूरा क्लोज होते समय उसका जो भी प्रेशर है वो उसके सेट प्रेशर से नीचे चला जाता है, जो कि उसके रिसीट प्रेशर तक चला जाता है। आप देखो, ये रिसीट प्रेशर कहाँ पे है, सेट प्रेशर के नीचे, और सेट प्रेशर और रिसीट प्रेशर के बीच में जो भी डिफरेंस है उसे हम ब्लोडाउन बोलते हैं। ओके, समझ में आ रहा है आपको ये कंसेप्ट। अब देखो, यहाँ पे ये जो भी एक्यूमुलेशन है वो क्या है, जो भी आपका मैक्सिमम अलाउएबल प्रेशर है और जो भी आपका मैक्सिमम अलाउएबल एक्यूमुलेशन है, इसमें जो भी डिफरेंस है वो आपका एक्यूमुलेशन है। इसको हम एक्यूमुलेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखो, आपका क्या है, आपका एक्सपेक्टेशन था कि आपका जो भी पीएसपी है वो इतना ही प्रेशर उस इक्विपमेंट में मेंटेन करे, लेकिन वो प्रेशर कंटिन्यूसली थोड़ा सा बढ़ते जाता है और वो इक्विपमेंट इतना एक्यूमुलेट कर लेता है प्रेशर, तो इसे हम एक्यूमुलेशन बोलते हैं। और जहां तक वो प्रेशर इंक्रीज होता है उसे हम मैक्सिमम अलाउएबल एक्यूमुलेशन बोलते हैं। ओके, उसके बाद वो प्रेशर इंक्रीज नहीं होगा क्योंकि हमारा पीएसवी फुल्ली ओपन है, तो उसमें से कंटिन्यूसली वो जो भी एक्सेस प्रेशर है वो रिलीज करते रहेगा और आपका प्रेशर यहाँ पे ही मेंटेन रहेगा। ओके, अब देखो, इसके जो भी डिटेल्स है, डेफिनेशन है, वो हम इस स्लाइड में देखते हैं। सबसे पहले क्या है, और ऑपरेटिंग प्रेशर क्या है। ऑपरेटिंग प्रेशर मतलब क्या है, द गेज प्रेशर ड्यूरिंग नॉर्मल सर्विस, मतलब जो आपका इक्विपमेंट है वो नॉर्मल ऑपरेशन पे जो भी उसका उसके ऊपर प्रेशर गेज है वो आपको क्या रीडिंग दिखाता है, वो हो गया आपका ऑपरेटिंग प्रेशर। उसके बाद सेट प्रेशर, सेट प्रेशर मतलब क्या है, द प्रेशर एट विच रिलीफ डिवाइस बिगिंस टू ओपन अंडर सर्विस कंडीशन, जो कि मैंने अभी समझाया आपको, इस प्रेशर पे आपका पीएसवी ओपन होना स्टार्ट होता है। उसके बाद देखो, रिसीट प्रेशर क्या है, इस प्रेशर पे आपका पीएसवी कंप्लीटली क्लोज हो जाएगा, मतलब द प्रेशर एट विच वॉल डिस्क रीएस्टैब्लिशेस कॉन्टैक्ट विद सीट एंड लिफ्ट बिकम्स जीरो, मतलब जो जितना भी वो ऊपर उठ गया था वो कंप्लीटली नीचे आ जाता है और उसका लिफ्ट जीरो बन जाता है और कंप्लीटली क्लोज हो जाता है। उस टाइम पे इक्विपमेंट में जो भी प्रेशर होगा वो होगा रिसीट प्रेशर। ओके, उसके बाद है MAWP, MAWP मतलब मैक्सिमम अलाउएबल प्रेशर, और ये क्या होता है वो मैंने मेरे पिछले स्लाइड में आपको समझाया है। ओके, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपका जो भी हाइड्रो टेस्ट होता है वो होता है 1.5 टाइम्स ऑफ MAWP, मतलब आपका जो भी मैक्सिमम अलाउएबल वर्किंग प्रेशर है उसके ऊपर 50% हम मार्जिन लेते हैं और उस पर हम हाइड्रो टेस्ट उस इक्विपमेंट का करते हैं, मतलब वो इक्विपमेंट उस प्रेशर तक विस्टैंड कर सकता है। लेकिन थियोरेटिकली अगर हम कंसिडर करते हैं तो इक्विपमेंट 4-5 टाइम्स MAWP तक प्रेशर विस्टैंड कर सकते हैं, लेकिन हम हमारा हाइड्रो टेस्ट भी 1.5 टाइम्स पर ही लेते हैं और उसमें पीएसवी वगैरह भी कंप्लीटली यहाँ तक ही सेफगार्ड कर देते ताकि उस इक्विपमेंट का फेल्योर ना हो। ओके, उसके बाद एक्यूमुलेशन क्या होता है, एक्यूमुलेशन क्या है, इंक्रीज इन प्रेशर अबव MAWP ड्यूरिंग रिलीफ एक्शन, मतलब मैंने अभी आपको समझा कि हमारा एक्सपेक्टेशन तो होता है कि MAWP के ऊपर प्रेशर नहीं जाना चाहिए, लेकिन जब वॉल फुल्ली ओपन होता है तब भी जो भी आपके ओवर प्रेशर के सीनरियोज होते हैं वो उसमें प्रेशर बिल्डअप करते रहते हैं, उसके वजह से हमारा प्रेशर MAWP के ऊपर जाता है और उसे हम एक्यूमुलेशन बोलते हैं। और ये जो भी हमारा एक्यूमुलेशन है उसे हम परसेंट ऑफ MAWP में एक्सप्रेस करते हैं। ओके, उसके बाद ओवर प्रेशर क्या है, ओवर प्रेशर मतलब क्या है, इंक्रीज इन प्रेशर ओवर द सेट प्रेशर ड्यूरिंग रिलीफ एक्शन, मतलब देखो जो आपका सेट प्रेशर है वहां से आपका पीएसवी ओपन होना स्टार्ट करता है, उससे आपका पीएसवी कितने प्रेशर तक फुल्ली ओपन होता है उस प्रेशर को हम ओवर प्रेशर बोलते हैं। और ये ओवर प्रेशर जो होता है वो हम
परसेंट ऑफ सेट प्रेशर कंसीडर करते हैं, समझ रहे हो? अब देखो यहाँ पे आप समझ सकते हो, ये जो भी है वो हम MAWP से मेजर करते हैं, इसीलिए उसे हम परसेंट ऑफ MAWP में मेजर कर रहे हैं, और ये जो भी हमारा ओवर प्रेशर है वो हम सेट प्रेशर से मेजर करते हैं, इसीलिए हम उसे परसेंट ऑफ सेट प्रेशर के टर्म्स में मेजर करते हैं, ओके? उसके बाद देखो, हमारा ओवर प्रेशर और एक्यूमुलेशन दोनों सेम हो सकता है क्या? हाँ, एक केस में दोनों सेम हो सकते हैं। एक्यूमुलेशन इज इक्विवेलेंट टू ओवर प्रेशर व्हेन सेट प्रेशर इज एट MAWP। मतलब देखो, अगर आप पिछला स्लाइड देखोगे तो इसमें हम क्या कंसिडर कर रहे हैं कि जो भी आपका एक्यूमुलेशन है वो MAWP के ऊपर मैक्सिमम अलाउबल एक्यूमुलेशन तक है, और आप क्या कंसिडर कर रहे हो, जो भी आपका सेट प्रेशर है वो मान लो आपके मैक्सिमम अलाउबल वर्किंग प्रेशर तक ही है, तो क्या होगा, ये जो भी आपका ओवर प्रेशर है उतना ही आपका एक्यूमुलेशन होगा, समझ रहे हो? इसीलिए इस केस में ओवर प्रेशर और एक्यूमुलेशन दोनों सेम हो सकते हैं, ओके? उसके बाद देखो, जो भी आपका ओवर प्रेशर है वो टिपिकली आप 10% कंसिडर करते हो सेट प्रेशर के ऊपर, और अगर आप फायर केस कंसिडर करते हो तो उस केस में जो भी आपका सेट प्रेशर है उसके ऊपर 21% मार्जिन लेकर आप वो ओवर प्रेशर कंसिडर करते हो, ओके? उसके बाद ब्लोडाउन क्या है, ब्लोडाउन हमने क्या कंसिडर किया है, जो भी डिफरेंस है किसके बीच में, रिलीफ सेट प्रेशर और रिलीफ रीसेटिंग प्रेशर। मतलब देखो, यहाँ पे अगर आप देखोगे जो भी आपका रिलीफ वॉल का सेट प्रेशर है और रीसीट प्रेशर है, इसके बीच में जो भी प्रेशर है उसे हम ब्लोडाउन बोलते हैं, ओके? उसके बाद मैक्सिमम अलाउएबल एक्यूमुलेटेड प्रेशर, ये क्या है, सम ऑफ मैक्सिमम अलाउएबल वर्किंग प्रेशर एंड एक्यूमुलेशन। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हमने क्या किया है, जो भी हमारा मैक्सिमम अलाउएबल वर्किंग प्रेशर है उस वर्किंग प्रेशर में अगर आप एक्यूमुलेशन ऐड करते हो तब आपको मैक्सिमम अलाउएबल एक्यूमुलेशन मिलेगा, ओके? ये पॉइंट्स क्लियर है आपको, ओके? उसके बाद देखो, बैक प्रेशर क्या होता है, बैक प्रेशर कंसिडर करने के लिए अब देखो, मान लो ये PSV का सिंबल है, इसमें ये जो भी आपका लाइन है वो हमारा सक्शन है, उसके बाद ये डिस्चार्ज है। अब देखो क्या हो सकता है, ये जो भी आपका डिस्चार्ज का लाइन है वो किसी सिस्टम में जाके कनेक्टेड हो सकता है, तो कंटिन्यूसली इस डिस्चार्ज में एक प्रेशर बना हुआ होता है जो कि इस जो भी आउटलेट है उसके वजह से होता है। उसके बाद मान लो आपका PSV ओपन हो जाता है, तब क्या होता है, ये जो भी आपका फ्लूइड है वो रिलीज हो जाता है, तो लाइन में फ्लूइड भरा हुआ रहता है, तो आगे जब भी जो भी फ्लूइड आ रहा है तो उसके लिए वो फ्लूइड भी एक रेजिस्टेंस का काम करता है, तो PSV में कुछ बैक प्रेशर कंटिन्यूस रहता है और कुछ बैक प्रेशर वेरिएबल रहता है, और वो बैक प्रेशर कौन कौन से रहते हैं, एक तो रहता है सुपर इम्पोज बैक प्रेशर और दूसरा रहता है बिल्टअप बैक प्रेशर, और टोटल बैक प्रेशर हमारा क्या रहता है, सुपर इम्पोज बैक प्रेशर प्लस बिल्टअप बैक प्रेशर, ओके? अब सुपर इम्पोज बैक प्रेशर क्या रहता है, सुपर इम्पोज बैक प्रेशर मतलब क्या है, प्रेशर एट PRV आउटलेट बिफोर द PSV ओपन्स रिजल्टिंग फ्रॉम प्रेशर इन द डिस्चार्ज सिस्टम। जैसे कि मैंने आपको अभी अभी बताया कि जो भी आपका PSV का आउटलेट है वो मान लो एक किसी सिस्टम में जा रहा है, तो उस सिस्टम में जो भी प्रेशर है उस प्रेशर की वजह से इस PSV में बैक प्रेशर बिल्डअप होता है, उसे हम सुपर इम्पोज प्रेशर बोलते हैं, वो कंटिन्यूस भी रहता है और वेरिएबल भी रहता है। उसके साथ साथ ये जो भी सुपर इम्पोज बैक प्रेशर है वो जब आपका PSV ओपन होता है तभी भी एक्ट करता है, और जब आपका PSV क्लोज होता है तभी भी एक्ट करता है, क्योंकि ये सिस्टम का प्रेशर तो चेंज नहीं होने वाला है। मान लो यहाँ पे P1 प्रेशर है, तो वो जब आपका PSV क्लोज है तभी भी यहाँ पे P1 प्रेशर एक्ट करता ही रहेगा। मतलब अगर आप आइडियली देखोगे तो ये P1 प्रेशर माइनस इस लाइन में जो भी लॉसेस है, मतलब अगर एलिवेशन है तो यहाँ पे कुछ माइनस हो जाएगा, ओके? तो जो भी बिल्टअप बैक प्रेशर है वो सुपर इम्पोज बैक प्रेशर करके यहाँ पे कंटिन्यूसली एक्ट करता रहेगा, और जैसे जैसे इसका प्रेशर चेंज होता रहेगा वैसे वैसे जो भी आपका प्रेशर है यहाँ का वो भी चेंज होता रहेगा, इसलिए वो वेरिएबल भी है, ओके? उसके बाद जो भी बिल्टअप बैक प्रेशर है वो किस वजह से होता है, द प्रेशर दैट डेवलप्स इन द डिस्चार्ज हेडर ड्यू टू रिलीफ फ्लो थ्रू द डिवाइस। मतलब जैसे मैंने आपको बता दिया कि मान लो ये आपका PSV है जो कि आपका ओपन हो गया है, अब क्या हो गया, इसमें से लिक्विड आगे जा रहा है, अब लिक्विड आते जाते आगे जाते समय
ये पाइप कंप्लीटली फिल्ड रहेगा, तो जो भी नया आने वाला फ्लूइड है उसको इस फ्लूइड को आगे पुश करना पड़ेगा, तो उस वजह से यहाँ पे बैक प्रेशर बिल्डअप होगा और उसे हम बिल्टअप बैक प्रेशर बोलते हैं, जो कि वेरिएबल रहता है और ये तभी डेवलप होता है जब आपका पीएसवी ओपन होता है। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है जो कि आपको पीएसवी साइजिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम यही तक रुकते हैं और आगे आने वाले वीडियोज में हम पीएसवी के टाइप कौन कौन से होते हैं, उसके बाद पीएसवी का कैलकुलेशन कैसे करना है, ये सब एकदम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन भी प्रेस करके रखो ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलो, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। बायोस, लर्न द स्मार्टर वे।